नमस्कार दोस्तों, मरुधरा का महासंग्राम पिछले 25 दिन से लगातार जारी है। इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है कि विधायक एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर में विधायकों को लेकर अशोक गहलोत ने आदेश दिए हैं कि विधायकों की सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर गहलोत का आदेश बाड़ेबंदी को लेकर सख्ती का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि 4 दिन में केवल 4 मंत्री ही होटल से बाहर निकल सके। इसके अलावा किसी भी विधायक को बाहर नहीं आने दिया गया। स्थानीय विधायक जैसलमेर को भी छूट नहीं है। वहीं दूसरी ओर बाड़मेर से विधायक और मंत्री हरीश चौधरी भी बाड़ेबंदी में शामिल हैं, लेकिन वो भी बाहर आ जा नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दिव्या मदेरणा, जो कि जोधपुर के ओसिया से विधायक हैं, जो कि इस बाड़ेबंदी में शामिल नहीं है, क्योंकि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि महिला विधायक दिखाई दे रही है, लेकिन दिव्या मदेरणा इस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही है। वही मीडिया में ये भी खबरें चल रही है कि दिव्या मदेरणा जैसलमेर की होटल में नहीं थी। और वही दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट के नज़दीक होने का फ़ायदा भी पायलट उठा सकते हैं। वही दूसरी ओर पायलट ने अपना ठिकाना बदल लिया है। पायलट के 3 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और बाकी विधायक जो मानेसर होटल में थे वो अब हरियाणा छोड़कर गुजरात जा पहुंचे हैं। अभी ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर कुछ बड़ा हल भी निकाला जा सकता है, लेकिन किसी वेणुगोपाल ने इसे फिर से खारिज कर दिया। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल हैं, उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट की तरफ से कोई भी समझौता पत्र नहीं मिला है और ना ही हालाकमान को कोई सूचना भेजी गई है। लेकिन पायलट गुट के विधायक ने दावा किया है कि सोनिया गांधी को हमने अपना पत्र भेज दिया और उसमें सीएम बदलने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने सीरियसली इसे खारिज कर दिया। दूसरी ओर राजस्थान की राजनीति में अब उथल पुथल के साथ ही जैसे विधानसभा सत्र नज़दीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक बाड़ेबंदी में पहरा भी कड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।